कल हम एक्चुअली प्लान करके नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही हम इसमें इस शॉप में घुसे तो मम्मी को ये बैग बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे ही उन्होंने अपने कंधे पे डाला, बोला हाँ ये बड़ा अच्छा है, मैं ले लूँ, तो ये मैंने मम्मी को दिला दिया। ले अच्छा लिया तो फिर इसके साथ दीपिका ने ये भी ले लिया। मैचिंग होना चाहिए ना दोनों। एक बार पहन के दिखाओ बैग। है ना सुंदर? मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये कैसे ना आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट हो गई। हाँ ये भी मुझे हमेशा बड़े लगते हैं। हाँ तो अच्छे हैं बड़े। हाँ इट्स वेरी कंफर्टेबल और प्रीटी आल्सो। चलो एकदम मन। कभी कभी होता है ना, कई बार होता है कि आपको देखते ही कुछ चीज पसंद आ जाती है, तो ये एकदम वैसे ही हुआ कि जैसे ही हम एंटर किया जैसे। हाँ तो मम्मी को देखते ही उन्होंने बोला दीप्ति ये बैग अच्छा है ना, मैं ले लूं। तो मम्मी ने डाल के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो ले लिया। और फिर हम दोनों हम टूट पड़े इन क्लिप्स पे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे लगे। तो चलो अभी ये आपका, ये मेरा, ये मेरा। अरे इसमें का एक कहाँ गया? अच्छा ये रहा, मुझे दिया। तो इसमें का एक, अच्छा वो आपने पहना हुआ है। हाँ तो ये आपका, तो हमने ऐसे से बांट लिए। ये बहुत अच्छे हैं। हाँ। ये वेडिंग में पहनना, ये वेडिंग में पहनना, ये भी मेरा है। मस्त लगेगा। हाँ ये भी आपका है, ये भी मेरा है, वो भी आपका है, ये मेरा। अरे और ये तुम्हारा। हाँ ये भी मेरा है। और ना एक बहुत क्यूट चीज आपको बताती हूँ, मेरा ऐसे पर्ल वाला ये बड़ा क्लिप आप लोगों को याद होगा, आपने बहुत टाइम से देखा है। तो इसके ना काफी सारे पर्ल्स जो हैं वो गिर गए थे, तो मैं शॉप गई थी हाल ही में, बहुत लेसेस की शॉप वगैरह में गई हूँ, तो मुझे लगाना था, सब डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो कल जब आप आए ना, कल आए मैंने ये क्लिप लगाया हुआ था, आप सोचो मुझे देखने तक का वो ऐसे ध्यान में नहीं रहा। उसमें निकाल में रहा, मम्मी देखो ना इसके ना पर्ल, और मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए, इसके तो पर्ल निकले हुए थे। फिर मैं सोच रही हूँ, मम्मी बोलती तूने दूसरा तो नहीं ले लिया था। तो देव भैया ने क्या किया है, जब उनको वक्त मिला है, किसी दिन उनको टाइम मिला होगा सुबह, उन्होंने बैठ के ये सारे पर्ल्स इतनी नीटली लगा दिए हैं, क्योंकि पर्ल भी वहीं रखे थे, फेविकॉल भी वहीं रखी हुई थी, और एक दिन शायद मैं एक पर्ल ट्राई कर रही थी तो उन्होंने मुझे देखा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा। मैं जल्दी से मैं देव भैया के पास भी बोला, देव भैया आपने किया है? कहते हाँ मैंने किया है, पर ठीक नहीं लगा। मैं बोला नहीं बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू। तो बड़ी प्यारी सी स्माइल, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते, हमेशा आसपास देखते रहते हैं किसी तरीके से मैं हेल्प कर दूं, तो वो बहुत ही क्यूट लगता है। और ये तो मेरा ना एकदम फेवरेट, वो होता है ना कोई एक क्लिप जो बहुत पसंद आ जाए, तो ये वो, ये भी एक्सेसराइज का ही है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सो थैंक यू दीप भैया।